अब जरा बात एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर मोदी के मास्टर स्ट्रोक की। तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के उस बिसात की अब बात करनी है जो दिल्ली से करीब 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में बिछाई जा रही है दुनिया को भारत की कूटनीतिक ताकत दिखाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के लिए रवाना हो गए और आज हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे की मिनट टू मिनट जानकारी आ गई है। सबसे पहले आपको वही बता देते हैं, पीएम भारतीय समय के मुताबिक कल तड़के 3:30 बजे वॉशिंगटन डीसी में उतरेंगे, वहां से वो सीधे अपने होटल जाएंगे। फिर इसके बाद 23 सितंबर को शाम 7:15 बजे कई सारी बड़ी कंपनीज के सीईओ से मुलाकात करेंगे। फिर भारतीय समय के मुताबिक कल 11:00 बजे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात करेंगे। इसके बाद अमेरिका में भारत समय के मुताबिक अगला दिन हो जाएगा, तब 24 सितंबर को 12:45 बजे मोदी अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे। 24 सितंबर को ही भारतीय समय के मुताबिक तड़के सुबह 3:00 बजे जापान के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी। फिर 24 सितंबर को भारतीय समय के अनुसार 8:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पीएम मोदी मिलेंगे। फिर 24 सितंबर को ही 11:30 बजे व्हाइट हाउस में क्वाड की बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। फिर पीएम न्यूयॉर्क जाएंगे 25 सितंबर को भारतीय समय के मुताबिक 7:30 बजे शाम के प्रधानमंत्री का संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूएनजीए में संबोधन होगा। फिर 20 मिनट का भाषण वो वहां पर देंगे, उसके फौरन बाद 25 सितंबर को ही भारतीय समय के मुताबिक 9:15 बजे प्रधानमंत्री वतन लौट आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर हमारी विशेष रिपोर्ट अब आपके सामने। बाईस महीनों के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह कोई बड़ा विदेशी दौरा है। महामारी की वजह से प्रधानमंत्री 2 दिन के बांग्लादेश दौरे को छोड़कर कहीं नहीं गए और अब सीधे दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक मंच पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री अमेरिका के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से रवाना हुए। विमान में चढ़ने के लिए जैसे ही प्रधानमंत्री अपनी कार से उतरे उन्होंने मास्क पहना हुआ था। नीचे खड़े अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की और फिर 71 साल के नरेंद्र मोदी तेजी से 15 सीढ़ियां एक साथ चढ़ गए। फिर मास्क उतारा, पहले हाथ जोड़े और फिर हाथ हिलाकर अभिवादन किया। दस और सीढ़ियां चढ़ी, विमान के दरवाजे से दाखिल होने से पहले फिर हाथ हिलाया, हाथ जोड़े और विमान के अंदर दाखिल हो गए। विमान के अंदर पायलट ने प्रधानमंत्री को सैल्यूट भी किया और इस तरह से नरेंद्र मोदी अपने 4 दिनों के विदेश दौरे पर रवाना हो गए। अमेरिका रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने अपने इस दौरे के बारे में एक लिखित बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने अपनी मुलाकातों की जानकारी दी है और आखिर में लिखा है कि मेरी ये यात्रा अमेरिका के साथ व्यापक वैश्विक सामरिक साझेदारी को मजबूत करने का एक अवसर होगी। ये यात्रा जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे सामरिक साझेदारों के साथ संबंध मजबूत करने का एक अवसर होगा। प्रधानमंत्री की इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण दिन 24 सितंबर को है जिस दिन प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और फिर क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेना है जिसमें चारों देशों के सहयोग से वैक्सीन तैयार की जाएंगी। 3-4 मुद्दे हैं जिसपे काफी स्ट्रांग कोऑपरेशन और पार्टनरशिप होगी। पहला वैक्सीन का है, आपने ऑलरेडी सुना है कि चारों कंट्रीज अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको पूल टुगेदर कर रही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स टेक्नोलॉजी दे रहा है, जापान फाइनेंस कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया अपनी लिफ्ट पावर दे रहा है और इंडिया जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी में और कैपेसिटी में बहुत स्ट्रांग है वो मैन्युफैक्चर करेगा।
लेकिन इसके अलावा क्वाड के मंच से चीन को घेरने की भी पूरी तैयारी है और जाहिर तौर पर अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पहली बार आमने सामने मुलाकात करने वाले हैं और इस मुलाकात की अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि शांति का प्रहरी होने का दावा करने वाला अमेरिका अफगानिस्तान में एक अराजक व्यवस्था छोड़कर लौट आया है और इस वक्त भारत जो कि शांति का सबसे बड़ा दूत है उसके लिए ये तालिबान का शासन सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे में क्वाड का सम्मेलन जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक साथ होंगे, क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति बढ़ाने के लिए किस तरह से कदम उठाए जाएं उस पर विचार विमर्श होगा। इसके अलावा इस इलाके में पूरे चीन का विस्तारवाद एक बड़ा खतरा है। न केवल भारत बल्कि उसके तमाम पड़ोसी देश इस बात से बेहद चिंतित हैं कि चीन लगातार अपनी सरहद को उनकी सरहद के भीतर प्रवेश कराने और उनकी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा है। निश्चित रूप से क्वाड के देशों के लिए सबसे बड़ा मसला है और ख़ास तौर पर तब जब तकनीकी ताकत के दम पर चीन अब तमाम उन देशों के भीतर भी घुसपैठ कर रहा है जिसे साइबर वॉर कहा जाता है। उस मद्देनज़र भी ये चारों देशों का सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण है। क्वाड के अलावा प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की द्विपक्षीय मुलाकात पर भी पूरी दुनिया की निगाहें टिकी होंगी क्योंकि अफगानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका को भारत की सबसे ज्यादा जरूरत है और इस मुलाकात में अफगानिस्तान में पाकिस्तान की हरकतों पर भी खास तौर पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पाकिस्तान को नहीं बख्शने वाले हैं क्योंकि तालिबान की सरकार को पीछे से पाकिस्तान लगातार सपोर्ट दे रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान उनको तालिबानियों को अपनी एयरफोर्स की, वायुसेना की भी मदद दे रहा है और यही बात है जो विश्व के तमाम देशों को खटक रही है। कहीं अफगानिस्तान के तालिबान पाकिस्तान के रास्ते भारत के लिए खतरा तो नहीं बनेंगे, कहीं चीन तालिबान के बहाने भारत की सरहद में कोई हरकत तो नहीं करेगा, अमेरिका और बाकी तमाम देश क्या करेंगे। इन बड़े सवालों के जवाब इस दौरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निकलेंगे। पाकिस्तान भले ही दुनिया की नजरों में बेनकाब हो गया हो लेकिन वो सुधर नहीं रहा। पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क में साक के विदेश मंत्रियों की बैठक में तालिबान को भी शामिल करवाने की कोशिश की जिसकी वजह से ये बैठक कैंसिल हो गई। तालिबान और पाकिस्तान का गठजोड़ अब दुनिया के सामने आ चुका है। अब तालिबान की कोशिश संयुक्त राष्ट्र से भी मान्यता हासिल करने की है, इसीलिए उसने संयुक्त राष्ट्र को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उसने सुहेल शाहीन को संयुक्त राष्ट्र का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है और मांग की है कि उन्हें भी यूएनजीए को संबोधित करने दिया जाए। हालांकि इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। ये खबर मिली है कि यूनाइटेड नेशंस को तालिबान गवर्नमेंट ने लेटर लिख करके ये मांग की है कि आपको एक्रेडाइट किया जाए और यूएनजीए जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सेशन है उसको एड्रेस करने दिया जाए। ये बात सही है, आप लोगों ने लिखा है यूनाइटेड नेशंस को? जी बिल्कुल जी, हमने यही लिखा था यूएन को और हमने शाहीन साहब को नॉमिनेट किया था, इसलिए कि वो वहाँ पर हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा और वहाँ पर एड्रेस देखेंगे। भारत और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष जब मिलेंगे तो निश्चित तौर पर इन बदलते हालात और समीकरणों पर भी चर्चा होगी। ABP News आपको रखे आगे।